तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी इस बीच आपको बता रहे हैं। बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, यह इस वक्त की बड़ी खबर। युवक से मारपीट मामले में गिरफ्तारी हुई है, यह बड़ी और जानकारी आ रही है। आपको बता दें तो डंडों से हुई थी युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक पर था नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप। फरीदाबाद से बड़ी खबर, बिट्टू बजरंगी गिरफ्तार, बिट्टू पर दर्ज हुआ था कई धाराओं में केस, यह बड़ी खबर आ रही है। रविवार रात पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार किया, तो नू हिंसा मामले में आरोपी है बिट्टू बजरंगी, ये बड़ी खबर। बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फरीदाबाद से बड़ी खबर, युवक से मारपीट मामले में गिरफ्तारी हुई है। बता दें आपको, दरअसल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो, डंडों से हुई थी युवक की बेरहमी से पिटाई, युवक की बेरहमी से पिटाई की गई थी, वीडियो वायरल हुआ था। युवक पर था नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, जिसके चलते उसे पीटा गया था, ये वीडियो वायरल हुआ था। बिट्टू पर दर्ज हुआ था कई धाराओं में केस, तो रविवार रात पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता दें, नू हिंसा मामले में आरोपी है बिट्टू, और बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मुकेश राजपूत संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मुकेश, बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, कुछ दिनों पहले वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, जिसमें बजरंगी नाम का जो व्यक्ति है वो एक जो है वो मजदूर को बुरी तरीके से जो है वो पिटाई कर रहा था, जिसकी वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने भी जो है वो सारण थाना जो है सारण थाने में जो है वो मामला दर्ज कर लिया है। और बीते कल जो है वो बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने जो है वो हिरासत में ले लिया, और क्योंकि अवेलेबल जो है वो ऑफेंस थे, तो ऐसे में थाने से जो है वो बिट्टू को जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो जमानत मिल गई थी। परंतु इस बीच जो है बिट्टू बजरंगी को जो है वो सख्त हिदायत जो है वो पुलिस के द्वारा दी गई है, ताकि इस तरीके से उसने जो मारपीट एक मजदूर के साथ की, उसे जान से मारने की धमकी दी। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस ने जो है वो कार्रवाई इस पूरे मामले पर की, और उसे सख्त हिदायत भी दी है कि आगे से उसकी इस तरीके की कोई भी जो है वो शिकायत नहीं आनी चाहिए। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मुकेश राजपूत इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, युवक से मारपीट का यह मामला जिसमें उसकी गिरफ्तारी हुई है। ये एक पुराना मामला है, एक तारीख का घटना बताई जा रही है, और इसमें लेटर ऑन जो इन्वेस्टिगेशन जांच की गई तो पता लगा कि एक शामू नाम का व्यक्ति है, और जो उसमें एक लड़की है कोई 11 साल के आसपास की, नाबालिग लड़की, उसके साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया था। इस संबंध में आरोपी जो शामू है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, और जो भी उचित कानूनी कार्रवाई बनती है वो की गई है। वहीं इसी मामले में बिट्टू बजरंगी उस युवक को पीटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो वीडियो वायरल हुआ है। संज्ञान में आने पर उसके खिलाफ बिट्टू बजरंगी और उस अन्य जो दो तीन आदमी है उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, और इसी में कार्रवाई जो जांच जारी थी उसमें आगे जांच को बढ़ाते हुए बिट्टू बजरंगी को कल इसमें अरेस्ट किया गया है, जो कानूनी कार्रवाई करते हुए जो नियमानुसार कार्रवाई करके, और इसमें तफ्तीश जारी है। और इसमें दोनों के खिलाफ शिकायत थी, आरोपी श्याम जिसकी पिटाई हो रही उसके खिलाफ भी शिकायत थी, तो उसमें भी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई, अरेस्ट किया गया। वहीं उस आरोपी व्यक्ति श्यामू को पीटने के मामले में बिट्टू बजरंगी के खिलाफ जो शिकायत थी उसमें भी बिट्टू बजरंगी और अन्य जो थे उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी, जिसमें बिट्टू बजरंगी को अरेस्ट कर लिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से ये मामला जो कि सामने आया था, वीडियो जो सामने आई थी, और बिट्टू बजरंगी इस वीडियो में आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पिटाई युवक की गई, बिट्टू बजरंगी को पुलिस ने गिरफ्तार आखिरकार कर लिया है। पुराना मामला बताया जा रहा, पुरानी वीडियो बताई जा रही, युवक से मारपीट के मामले में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था ये वीडियो, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया, और डंडों से हुई थी युवक की पिटाई, युवक पर था नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, जिसके तहत उसकी मारपीट की गई थी, बिट्टू पर दर्ज हुआ था कई धाराओं में केस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी, आज रविवार रात पुलिस ने बिट्टू को गिरफ्तार किया है। नू हिंसा मामले में भी आरोपी बिट्टू बजरंगी था, ये बड़ी खबर आपको बता दें, फरीदाबाद से आ रही है। तो युवक से मारपीट मामले में गिरफ्तारी हुई है।